एवरीवन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज। आई एम मोहम्मद वैसलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑल इंडिया कोटा MCC काउंसलिंग राउंड 2 के बारे में, जो कि स्टार्ट हो चुकी है। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, आपका अपग्रेडेशन से रिलेटेड हो, कॉलेज रिजाइनिंग से रिलेटेड हो, या फिर एडमिशन के रूल से रिलेटेड हो, या फिर एडमिशन के प्रोसेस से रिलेटेड हो और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो। पूरा आपको A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। जो लोग भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, ताकि कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, प्रोसेस आपको पूरा टाइम टू टाइम मिलता रहे। ऑफिशियल वेबसाइट है MCC की, यहाँ पर ऑलरेडी जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गए। मैं सबसे पहले आपको जो है टाइमलाइन दिखा देता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला क्लिक है, और यहीं से रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। बाकी स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन में कैसे आपको प्रोसीड करना है, पूरा प्रोसेस हमने लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाया था स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने पहले नहीं किया था रजिस्ट्रेशन तो आप अभी कर सकते हैं दोबारा से, यानी फर्स्ट राउंड में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उससे जाकर लाइव स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस जान सकते हैं और फिर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो लोग अभी नए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं सबसे पहले टाइमलाइन की, यानी सेकेंड राउंड की टाइमलाइन क्या रहने वाली है MCC काउंसलिंग के लिए। यहाँ पर यह है सेकेंड राउंड का जो टाइमलाइन है ऑल इंडिया कोटा MCC काउंसलिंग की, तो इसके अकॉर्डिंग जो सीट मैट्रिक्स का वेरिफिकेशन है वो 4 से 5 सितंबर के बीच में होगा। और अभी तक इसका जो सीट मैट्रिक्स नहीं आया है, शाम तक एक्सपेक्टेड है सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे ही आएगा उस पर मैं डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊँगा, कितनी सीट्स बची हुई हैं, क्या कट ऑफ आगे जा सकती है, पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी अगर रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में, पूरा 6 दिन का समय है। जो लोग चाहते हैं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके थे फर्स्ट राउंड में उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, कल से स्टार्ट हो जाएगी, 6 तारीख से, यानी 6 सितंबर से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया था, उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। ऑलरेडी जिन्होंने फर्स्ट राउंड में की होगी उनको पता होगा, वो वहाँ से जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बाकी कुछ नए कॉलेजेस भी ऐड होने वाले हैं, उनका भी अपडेट मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा, जो सेकंड राउंड में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे, यानी फर्स्ट राउंड में वो ऐड नहीं हुए थे और अभी सीट्स बढ़ेंगी तो कट ऑफ उससे भी लो जाएगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। फिर उसके बाद जो आपका प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो है 11 और 12 सितंबर को होगा, रिजल्ट आपका 13 सितंबर को फाइनल आएगा, रिपोर्टिंग आपकी 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में होगी सेकेंड राउंड की, और उसके बाद जो कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन है वो 21 से 22 के बीच में होगा। अब उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो आती है स्टूडेंट्स के बारे में, जो कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं, यानी कॉलेज को या तो अपग्रेडेशन करना चाहते हैं या फिर कॉलेज को छोड़ना चाहते हैं, उन सबके सिनेरियो को मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। पहले देखो, ये है नोटिफिकेशन जो 31 तारीख को आया था, और इसमें बोला गया था जितने भी स्टूडेंट अपने कॉलेज को रिजाइन करना चाहते हैं, यानी जो उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था और उसको वो छोड़ना चाहते हैं, एडमिशन ले लिया है, अगर एडमिशन ले लिया है कॉलेज छोड़ना चाहते हैं, तो वो 3 तारीख को यानी 3 सितंबर को 6 बजे तक छोड़ सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने 3 तारीख को 6 बजे से पहले पहले अपना कॉलेज फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेने के बाद छोड़ा होगा तो उसकी सिक्योरिटी अमाउंट बच जाएगा, यानी उसका सिक्योरिटी अमाउंट बचा रहेगा, डायरेक्टली वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। और जो स्टूडेंट अब छोड़ना चाहते हैं, यानी 3 तारीख के बाद 4, 5, 6 या आगे अभी जो कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं और अब ऑल इंडिया कोटा से सीट ली हुई को छोड़ना चाहते हैं, तो इस केस में उन पर सेकेंड राउंड वाला रूल वैलिड हो जाएगा, वो लग जाएगा, इस केस में उनकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। तो अब भी आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे छोड़ सकते हैं सीट को, लेकिन इस केस में आपकी सिक्योरिटी चली जाएगी, आपको दोबारा से सेकेंड राउंड वाली जो रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट है दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट आपको जमा करना होगा, और उस सिक्योरिटी अमाउंट को जमा करके सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो लोग चाहते हैं सीट को पुरानी छोड़ना। फिर ऐसे स्टूडेंट जो अपग्रेडेशन चाहते हैं उनके बारे में बात कर लें, अपग्रेडेशन तो जिन लोगों ने अपग्रेडेशन चाहते हैं, यानी फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया होगा तभी आप अपग्रेडेशन चाहते हैं, तो फर्स्ट राउंड में अगर आपने एडमिशन ले लिया था कॉलेज में जाकर, तो वहाँ पर आपने अपग्रेडेशन का फॉर्म भरा होगा। अब अपग्रेडेशन फॉर्म सब कॉलेजेस में नहीं होता है, कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पर अपग्रेडेशन का फॉर्म होता ही नहीं है, तो उस केस में आपका वही कॉलेज जो है फाइनल हो जाए, जहाँ पर अपग्रेडेशन का फॉर्म नहीं होता डायरेक्टली आप जो है सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, आपको अलग से कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है कुछ जगहों पर। बाकी कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि अपग्रेडेशन का फॉर्म भरवाते हैं और फिर ऑप्शन देते हैं, तो अगर आपने कहा होगा कॉलेज में कि अपग्रेडेशन मुझे करना है तो उन्होंने फॉर्म भरवाया होगा, और अगर उन्होंने कहा था कि बिना फॉर्म के हो जाएगा तो डायरेक्टली आप सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं उस बेस पर। कुछ ऐसे लोग होंगे जो फाइनल अब उसी कॉलेज में रहना चाहते हैं, तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी कॉलेज में एडमिशन हो गया अब आपको कुछ नहीं करना, आपका एडमिशन कंप्लीट, अगली आगे आने वाली किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मत करो, आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है अपने आप वापस आ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट भी होंगे कुछ जिन्होंने फ्री एग्जिट किया होगा, फ्री एग्जिट का क्या मतलब होता है कि फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला था और आपने कॉलेज में जाकर रिपोर्ट नहीं किया, तो अपने आप फ्री एग्जिट हो जाता है, यानी आपकी सिक्योरिटी बची रहेगी और आपने वो कॉलेज छोड़ दिया। अब सेकंड राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप चॉइस फिलिंग करेंगे, कोई और दूसरा प्रोसेस का नहीं है, आप डायरेक्टली सिर्फ चॉइस फिलिंग करेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। अब जो रूल्स थे सेकंड राउंड वाले वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर हम आ गए सेकंड राउंड के रूल्स के ऊपर।
तो सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट राउंड एंड डिड नॉट गेट एनी अलॉटेड सीट आर नाउ नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। ऑल्सो कैंडिडेट हु हैव नॉट रिपोर्टेड इन द राउंड वन नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन। यानी आपने अगर फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तब भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला और आपने एडमिशन नहीं लिया यानी फ्री एग्जिट हो गया, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप चॉइस फिलिंग करेंगे जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगी 6 तारीख से। फिर उसके बाद आता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है। जो लोग फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, फीस पेमेंट करेंगे और उसके बाद उनका जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल से वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। एक चीज़ ध्यान रखें, आपने जो फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की थी वो नल एंड वॉइड है, उसका आप कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रह गया। जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको चॉइस फिलिंग करनी ही पड़ेगी। अगर चॉइस फिलिंग नहीं की तो इसका मतलब होगा कि आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया सेकंड राउंड के अंदर। फिर अगला आता है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। जब आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे तो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेसिंग होगा, आपका रिजल्ट जो है वो 13 तारीख को आ जाएगा, जो कि मैंने अभी डेट्स दिखा दी थी। फिर उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी जो भी आपका अलॉटेड कॉलेज है। फिजिकल रिपोर्टिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द अलॉटेड मेडिकल और डेंटल कॉलेज अगेंस्ट द राउंड टू। कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड अ सीट इन द राउंड टू कैन ऑप्ट फॉर विलिंगनेस टू अपग्रेड फ्रॉम राउंड टू टू राउंड थ्री फॉर विच दे हैव टू फिजिकली रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज। ऐसे स्टूडेंट जिनको सेकंड राउंड में सीट मिली है और वो अपग्रेड करना चाहते हैं तो उनको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा और वहाँ पर फिजिकली जाकर अपना फॉर्म भरना पड़ेगा अपग्रेडेशन के लिए, और फिर वो अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं यानी अपग्रेडेशन कर सकते हैं। इफ़ अपग्रेडेड इन राउंड टू द कैंडिडेट मस्ट टेक रिलीविंग लेटर फ्रॉम द राउंड वन। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला था और वो सेकेंड राउंड में उनको अपग्रेड हो गया है, यानी उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए भरा सेकेंड राउंड में और नया कॉलेज अलॉट हो गया, तो उनको क्या करना पड़ेगा, जो पहले राउंड वाला कॉलेज था यानी फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला था उसमें उन्होंने एडमिशन ले लिया, सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए करेंगे। अब ये रिजल्ट की बात है, सेकंड राउंड का जब रिजल्ट आएगा, मान लो उनको नया कॉलेज अलॉट हो गया, उस टाइम पर फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज में जाकर उन्हें पहले रिलीविंग लेटर लेना होगा और फिर वहाँ से जाकर जो है अपना एडमिशन नए कॉलेज में कराएंगे उसी की बेस पर। द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन द राउंड टू बट डू नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट विल गेट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिटेड। यानी ऐसे स्टूडेंट जिनको सेकंड राउंड में सीट मिली और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, उनकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी, आपको यहाँ पर साफ लिखा हुआ दिख रहा है। कैंडिडेट गेटिंग अपग्रेड इन द राउंड टू शेल नॉट हैव एनी क्लेम इन द राउंड वन सीट। यानी ऐसे स्टूडेंट जिनको राउंड टू में अपग्रेड हो गई सीट, तो जो फर्स्ट राउंड की सीट है आपका उस पर कोई भी अधिकार नहीं है, वो आपसे अपने आप जा चुकी है। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर आपके पास फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं है। सेकंड राउंड में जो भी कॉलेज भरो वही भरना जो आपको कॉलेज चाहिए, कोई भी गलत कॉलेज मत भर देना, अदरवाइज आपकी सिक्योरिटी चली जाएगी या फिर आपको उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा। इफ कैंडिडेट फ्रेशली रजिस्टर्ड इन द राउंड टू नॉट अलॉटेड अ सीट ही एंड शी कैन पार्टिसिपेट इन द थर्ड राउंड। और अब भी अगर किसी को कॉलेज नहीं मिलता है तो डायरेक्टली थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी थर्ड राउंड जब स्टार्ट होगा उस टाइम पर भी आपको डिटेल में पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा, उस सबके लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाएं। कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। पुरानी वीडियोस के किसी के भी मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था पिछले 8 दिन से लेकर, इसकी वजह थी मेरे एग्जाम चल रहे थे और अभी थोड़ा फ्री हुआ हूं, तो अब जो है उनको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सब लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।